ये बड़ा मच अवेटेड था, बड़ा डिले होता जा रहा था, सब लोग हमें कंप्लेन कर रहे थे किधर है बालकनी, किधर है बालकनी, लेकिन आप जब देखोगे ना आज तो कहोगे यार वर्थ था। तो लेट्स गो फॉर इट। इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आर व्लॉग। और आप जैसे कि देख रहे हैं अंधेरा है क्योंकि अंधेरा हो चुका है। आज ये व्लॉग हमने अंधेरे में स्टार्ट किया है। इट्स ऑलमोस्ट 9:30 हम लोग ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। उसका रीजन था आज हमने दिन भर में कोई व्लॉग नहीं किया, हमने बाकी काम खत्म करते रहे बिकॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था हमें लगा वो इवनिंग में ही दिखाएंगे आपको, उसका मजा भी एक आएगा। मॉर्निंग में भी देखने का मजा है लेकिन अगर आप इवनिंग में देखते तो आपको डेफिनेटली मजा आता जो कि अभी आने वाला है आपको। सबसे पहले मिल लो मेरे आदमी से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर चैनल। हम इतने असमंजस में थे कि हमको आपको अपना बैल्कनी टूर कराना है तो हम लोग कब कराएं, रात में कराएं, दिन में कराएं, फिर डिसाइड हुआ रात में कराएंगे और फिर दिन में अगले दिन दिखाएंगे कैसी लगती है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो मजा है वो रात का है क्योंकि हम लोग रात को यहाँ 11, 12 बजे तक, मैं तो लेट जा रहा हूँ आजकल बैल्कनी में तकिया रखकर, और हम लोग इतने एक्साइटेड है क्योंकि कितने दिन से टालम टाल, कभी ये नहीं लगा कभी वो नहीं लगा, छोटी छोटी चीजों के लिए हम वेट कर रहे थे। अभी भी एक दो छोटी छोटी चीजें बची लेकिन अब हम वेट नहीं करेंगे किसी का भी, अब हम सीधा दिखाएंगे आपको अपनी बैल्कनी। आप मिल लो पहले मेरी चिट्टी, मेरी पुट्टी चुट्टी से, और ये रहा मेरा कुकड़ा, यहाँ पर बदमाशियां करता हुआ बहुत बुरी तरह से कर चुका है ये। तो खाली पैरों में ही आ रहा है। हाँ यार, ये सिर्फ पैरों में ही आता है कि आप पैदा ही पैरों में आने के लिए हुआ है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बालकनी में अगर आपको लग रहा है मेरा इतना सा भी योगदान है, इतना सा भी बिल्कुल नहीं है, इट इज ऑल हबीबी के पापा। इतनी मेहनत से, इतने प्यार से उन्होंने बनाई है ये बालकनी, मैं आपको क्या ही बताऊं। उनके सारे कारीगर रहे, उन्होंने ही डिजाइन करी, उन्होंने ही बताया कौन सी चीज कहाँ लगनी चाहिए। हाँ, दो लास्ट मोमेंट पे बहुत जल्दी 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 करके समेटा समाटी करके, सो इट इज ऑल थैंक्स टू हिम कि उसकी वजह से ना हम लोग आज ये बालकनी को एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड ही डिड इट ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आओ अब आ गया है वक्त, ये लाइटें बंद कर दूं क्या पहले सारी? हाँ करो करो, लाइटें बंद कर, अंधेरे में जाएंगे। ये बड़ा मच अवेटेड था, बड़ा डिले होता जा रहा था, सब लोग हमें कंप्लेन कर रहे थे किधर है बालकनी, किधर है बालकनी, लेकिन आप जब देखोगे ना आज तो कहोगे यार वर्थ था। तो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले मैं लाइट जला देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। हम लोग शुरू करेंगे इस कॉर्नर से और ये रही हमारी बालकनी। तो ये रही हमारी बालकनी की पहली साइड। बारिश बहुत ही तेज हो रही है बाहर, अब तो आवाज भी आ रही होगी, लेकिन पहली साइड में दिखा देती हूँ। कॉफी मशीन हमने यहाँ पे रख दी, अंदर तो काम आ नहीं रही थी तो यहाँ पे रख दी। एक छोटा मोटा ये सजाया है और ये एक फूलों का गुच्छा है, नकली है फूल। ये एक छोटा सा प्लांटर लगाया है छोटो सा, और ये एक है जहाँ पे अंदर भी कैंडल जल रही है। और ये रहा वो जो मैं लाया था महाबलेश्वर से, ब्रूस ली। ब्लू व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन है टोटल। और आपको साइड करके दिखा देती हूँ कि इसमें अगर आपको लग रहा हो कि यार क्या ही अलग तरह है, तो इसी में अंदर ही ये रही पूरी स्टोरेज, ये पूरी अंदर स्टोरेज बन गई। ये यहाँ पे अंदर हमने वॉशिंग मशीन कर दी, हमने मतलब उन्होंने, हमने तो सिर्फ इसको एंजॉय करा है। तो ये रही वॉशिंग मशीन अंदर चली गई, साइड पे कुछ बच्चों के कपड़े वपड़े जो भी थे गंद फंदो वो इधर को चला जाएगा। और आप देख सकते हो इसके ऊपर भी यहाँ पे लाइट लगाई हुई है ताकि हाँ, रात को अच्छा लुक आए। और ये जो ग्लास है ये कुछ अलग तरीके का ग्लास है। हाँ, ये मतलब कुछ क्या कहते हैं इसको, टिंटेड ग्लास। हाँ, टिंटेड ग्लास है ये, मतलब ये आपको ऐसा दिखेगा जैसे कुछ ग्लास पे है लेकिन वो है नहीं, वो ग्लास ही ऐसा है। और ये मतलब एक इरादे से ही रखा गया था ग्लास कि हम ऐसे ही रखेंगे। ये रहा हमारा इधर का प्लेटफॉर्म जो कि बहुत बड़ा है, जहाँ पे हम लोग आराम से बिल्कुल बैठ सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप बैठो लेटो कुछ भी करो। ग्रिल जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, यहीं तक थी ग्रिल अगर आपको याद हो, नहीं भी होगा हो सकता यार, लेकिन ग्रिल अभी आगे एक्सटेंड कर दिया, ऊपर लगा दिया छज्जा। हाँ। बारिश अंदर नहीं आएगी, थोड़ी बहुत तो फिर भी आ रही है क्योंकि बारिश बहुत तेज है, जिसको हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन मतलब हम लोग भीगेंगे नहीं, हम लोग कितनी भी तेज बारिश में यहाँ बैठ सकते हैं, मतलब ये हमको उठ के भागना नहीं पड़ेगा, पानी आया भागो भागो। तो अभी भी की मम्मी ने डिसाइड किया था कि कॉफी टेबल और चेयर कौन सी होनी चाहिए, कौन से कलर की होनी चाहिए, वो ये थी, और जो उनकी चॉइस थी हमने वही मंगाया। और ये भी ठीक वैसे ही व्हाइट कलर है और इसके ऊपर ब्लू गद्दियां हमारी। और इस प्लेटफॉर्म के नीचे भी एक कमाल की लाइट लगी है जिसमें अभी डिमर लगवाना बाकी है, जिसको हम कम तेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन में। ये रहा एक छोटा सा कॉफी टेबल, ये रही दूसरी चेयर, और यहाँ जाएंगे तो ये रहा अगला वाला एरिया। इट्स नॉट अ स्टोरेज, कोई स्टोरेज नहीं है, लेकिन ये पूरा जो बनाया है ना वो मतलब कैसे दिमाग लगाया, मतलब मैं ना एक पर्सन में बिल्कुल कुछ बोली ही नहीं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ये इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा, छोटा नहीं काफी बड़ा
प्लांट लगा दिया। ये पॉट तो मेरे पास पहले था, प्लांट बाद में ले आए, ये उस दिन आपने देखा था मुझे खरीदते हुए, ठीक है। इसके साइड में छोटा सा घेरा मेरे, ये एक एक योगदान मेरा है इसमें, पूरी बालकनी में सिर्फ एक ही योगदान मेरा है दोस्तों, सच्ची उतारी ये। मैंने कहा मेरे को ये लगाना है। इनके पैर लटके हुए हैं, ये पैर झुलाते रहते हैं बैठ के दोनों ना। हाँ। ये बहुत गंदा है वाला जो है, दांत टूटे दांत का ये वाला। हाँ। नहीं नहीं अच्छा है ये, तुम हो ना, मैं तो प्यारी हूँ, ठीक है। इधर एक छोटा सा, एक और छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, एंड अब मैं पीछे जाके आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा लुक है, पूरा ऐसे है। ये वाला जो ग्लास है ना, ये जो आपको दिख रहा है, सेम ग्लास है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और इसका इतना अच्छा फील आ रहा है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर थोड़े से पानी के छींटे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है। बट धीरे 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 अब वो स्टाइल निकल के आ रहा है। पहले दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है एग्जैक्टली, बट अभी इतना अच्छा लग रहा है, इसमें आप खुद को देख भी सकते हो, स्टाइलिश भी लग रहा है। और ये जो ग्रीस की थीम की है ना, सेंटोरिनी, क्या नाम है, सेंटोरिनी, जब गए नहीं हो तो पता कैसे होगा, ये है उस जगह की थीम करी है भाई। मुझे बहुत मजा आता है, कल रात को मैंने यहाँ तकिया रखा और मैं सो गया यहाँ पे। ये रोज लेटता इधर ही, रात को 12-12 1-1 बजे तक आता नहीं अंदर, ये इधर ही लेटा होता है। मेरे फोन में चलते हैं किशोर कुमार के गाने और मैं यहाँ लेट जाता हूँ और 1-1 घंटा आराम से चिल करता हूँ। बच्चा भी तुम्हें देख रहा है, बच्चा ऊपर यहाँ तबाएगा जब यहाँ पे लग जाएगा नेट। अभी हाँ। एक चीज बची हुई है, यहाँ पे पिजन नेट लगाना है। पिजन नेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हम इसलिए नेट लगा रहे हैं कि यहाँ से कोई भी बच्चा कूदेगा तो उसकी टांग टूट सकती है, इसलिए लगा रहे हैं। तो ये रहा हमारा बालकनी, इसका आपने ये नीचे वाला एरिया देख लिया, दिस इज हाउ इट लुक्स। अब आपको दिखाती हूँ ये लाइट बंद करके, ऊपर वाली लाइट, वही लाइट इतनी प्यारी लग रही है। अब मैं ये वाली लाइट बंद कर देती हूँ और वो लाइट जलाती हूँ, तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये लाइट हमने कर दी यहाँ पे बंद, और ये रही अब लाइट है। ये लाइट में ऐसा इफेक्ट आ रहा है और बहुत अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ सामने से, ये शायद वीडियो इतना कैप्चर ना कर पाए, लेकिन सामने ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मतलब मोस्टली हम लोग ये लाइट नहीं इतना जलाते, ये अविनाश ये वाली लाइट प्रेफर करता है। हाँ, मतलब जो ये वाली लाइट है प्लेटफॉर्म वाली, इसका एक बार डिमर आ जाएगा ना तो ये और अच्छी लगेगी। अभी ये थोड़ी ब्राइट है, लेकिन इसका देखो हमारे पास पूरा रिमोट है और इसमें आप अलग अलग मोड चेंज कर सकते हो, ये मोड, ये मोड, ये मोड, लेकिन मोस्टली हम स्टैटिक ही रखते हैं। हाँ, लाइट ही रखो, ये सबसे अच्छा लगता है स्टैटिक वाला। डिम लाइट है, इसमें डिमर देखो कितना ज्यादा। तो जी दोस्तों, अब मैंने इसकी इंटेंसिटी देखो बढ़ा दी, अब देखो कितनी ज्यादा लाइट है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं भी ये बंद कर दो लाइट, मेरे को तो नीचे वाली में बड़ा मजा आता है यार। जलाओ अविनाश की फेवरेट ये है, मेरी फेवरेट ये है। संभावना को नीचे से आती हुई लाइट पसंद है, मुझे ऊपर से आती हुई लाइट पसंद है। आइए बैठिए, आपकी अपनी बालकनी है भाई, बैठिए, दो बातें कीजिए। हाँ। प्यार भरी, बस इस बालकनी में सबसे बड़ा दुख यही है कि हम ऊपर बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर बैठते ही चार कुत्ते आ जाते हैं, हमें हाँ। भी ले लो। मतलब इस बालकनी में हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो इनको हमारे पास आना होता है, तो हमें ना इस चेयर साइड पर करके नीचे बैठना पड़ता है इन लोगों के कारण। लेकिन जब भी ऊपर बैठते हैं अपने सेकंड कॉफी के लिए, तब बड़ा मजा आता है। और इस समय ना मैं आपको वो फील भी नहीं बता सकता जो हम लोग इस समय ले रहे हैं। इतना सूदिंग, इतना काम फील कर रहे हैं, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हैं। यू नीड टू कीप थिंकिंग पॉजिटिव, लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, ये एरिया मुझे एटलीस्ट इतनी पॉजिटिविटी दे रहा है ना कि मैं एक्चुअली पूरा दिन ना मैं ना इधर होती हूँ ना उधर होती हूँ, मैं इस जगह पे होती हूँ और अविनाश भी यहीं पे होता है। मतलब बालकनी को इतना एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों, मैं आपको क्या ही बताऊं। और क्योंकि हम लोग पूरा पूरा दिन बालकनी में बैठते थे, इसलिए यहाँ व्लॉग नहीं बना पाते थे, और हमें इतना बुरा लगता था कि यार जैसे ही व्लॉग बना रहे तो बालकनी में बना रहे, और बालकनी तो पूरी होने से पहले दिखा नहीं सकते। तो अब एटलीस्ट हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि अब कल से हम बालकनी में व्लॉग कर सकते हैं, क्योंकि आज आप लोगों ने बालकनी देख ली, टंटा हुआ खत्म। हाँ, मतलब ये क्या हो रहा था, छोटी 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 चीजें वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो रुका हुआ था। और सभी लोग, आप लोग सब कंप्लेन कर रहे थे कि यार किधर है, यार किधर है बालकनी, दिखाई नहीं रहे हो, ऐसा क्या ही बन रहा है। तो देख लो भाई, यही देख लो, ये पत्थर है जो पुराने ही थे, उसको व्हाइट करा दिया। ये कौन सोच सकता है यार, मेरे तो दिमाग में बिल्कुल आए, मैं ना इंटीरियर के मामले में। तुमने फ्लोरिंग नहीं बताई ना, जीरो बेटा सन्नाटा फ्लोरिंग, कुत्ते से मिलती जुलती फ्लोरिंग देख लो, कुछ अलग तरीके की फ्लोरिंग है जी। इस पे कुत्ते कितना भी अपना मलमूत्र करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज, ये जो हमारी प्लाई है, ऐसी प्लाई है कि इस पे कितना भी पानी गिर जाए प्लाई को कुछ नहीं होने वाला। तो सब चीजों का ध्यान में मद्देनजर रखते हुए बालकनी को बनाया गया है, जो कम से कम एक लंबे वक्त तक सस्टेन करे और हम एक लंबे समय तक बालकनी का लुत्फ उठा सकें, सुबह की कॉफी यहाँ पी सकें, मैं अपनी राइटिंग यहाँ कर सकूं, हम शाम की चाय यहाँ पी सकें और अच्छी अच्छी प्यार भरी बातें, क्रिएटिव बातें और रोमांस की बातें कर सकें। झूठ बोलते हैं कि रोमांस की बातें कोई होती नहीं हमारे यहाँ पे, झूठ बोल रहे दोस्तों। तो आपने एक सेटअप देख लिया, अभी हबीबी के पापा का दोबारा फोन आया था और उसने पूरा सेटअप दोबारा चेंज करा दिया। अब आप लोगों पे छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि मुझे दोनों अच्छा, मेरे लिए ये दोनों सेटअप बहुत अच्छे हैं। छोटी छोटी चीजें चेंज हुई हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले वाला मेरा ज्यादा फेवरेट था, लेकिन ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप
लोग बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, जिसके ज्यादा वोट्स होंगे पहला वाला पसंद किया जाएगा या दूसरा पसंद किया जाएगा, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अब आपको दिखा देते हैं दूसरा वाला सेटअप। तो ये दूसरे सेटअप में पहले ये फ्रेम यहाँ पर नहीं था, फ्रेम आया है। यहाँ पे दो किताबें ऐड हुई हैं, कुछ कोस्टर्स ऐड हुए हैं, यहाँ पर कैंडल पीछे थी आगे आई है, ये कप तो अभी रखा है पता नहीं क्यों आ गया बेकार में। यहाँ पर प्लांट उस तरफ पीछे था कॉर्नर में, इधर आ गया है। ये दोनों जो चिलगोजे हैं वहां रखे थे यहाँ आ गए, ये प्लांट उस कॉर्नर में था यहाँ आ गया है। ये वाला प्लांट जो था ये इधर से इधर आ गया है, ये बॉल वहाँ पर था यहाँ आ गया है, ये लैंप वहाँ पर था यहाँ आ गया है। तो ये चेंजेस हुए हैं, ये यहाँ पे हाँ, और ये नया एडिशन हुआ, ये जो ट्रे आई है दो माले की यहाँ पर ऐड हुई है। ये कुत्ता यहाँ पर नहीं था, कुत्ता भी आया। तो ये अब आप लोग बताओ कि आपको ये वाला सेटअप ज्यादा अच्छा लग रहा है या पहले वाला। ब्लॉग और प्लीज आप लोग जरूर बताइए, बहुत दिल से हबीबी के पेरेंट्स ने ये बालकनी बनाई है, ये हमारे भी दिल के बहुत क्लोज है। मैं क्या ही बताऊं आपको। डू लेट अस नो कि आप लोगों को ये बालकनी मेकओवर कैसा लगा। दोस्तों आपको मिलते हैं हम कल, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, संभावना से एंटरटेनमेंट।